75 साल से वहाँ दलित पिछड़े को मौका नहीं मिला है, वहाँ बाहुबल और धनबल का कब्जा है, मैं उसके खिलाफ जा रहा हूँ, ये भी एक पत्रकारिता है। लोग मुझे कह रहे कि पहले अपने घर को तो आजाद कराओ, अपने गृह जिला को तो आजाद कराओ। लेकिन हम लोगों ने 10 साल जो काम किया है, अगर वो जनता को पसंद आएगा, पब्लिक को पसंद आएगा, बहुजन समाज को लगेगा कि इस आदमी ने ईमानदारी से जब ऐसे वक्त में जब सारे टीवी अखबार चुप, जब सारी संस्थाएं चुप, जब सब जगह डर का साया है, उसके बाद भी हमने बेधड़क अपनी बात रखी है, समाज की बात रखी है, गरीब मजदूर लाचार बेबस लोगों की बात रखी है। मैं कह रहा हूं मेरा आकलन मेरे काम पर कीजिए। अगर 10 साल मैंने ईमानदारी से पत्रकारिता की है, डंके की चोट पर की है, तो आगे भी मैं अच्छा काम करूंगा। और लालू जी जब चुनाव लड़े थे तो 500 करोड़ कंपनी चलाते थे क्या? रामविलास जी जब चुनाव लड़े थे तो 10,000 करोड़ की कंपनी थी क्या? अगर पैसा से चुनाव होता तो अंबानी अडानी प्रधानमंत्री होते। चुनाव होता है जनता आपको प्यार करती है कि नहीं। मुझे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर काम करना है कि दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक गरीब घर के बच्चे बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़े और राजनीति में भी आए, जिनके पांव सड़कों पर जले हों, जिनके पांव सड़कों पर जो नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, मान्यवर साहब, कांसीराम साहब, मायावती जी, ये सब किस बैकग्राउंड से थी? सब गरीब परिवार से थी और इन्होंने समाज के लिए बेहतर किया है। तो नए जनरेशन को भी आना पड़ेगा राजनीति में, और मैं इसकी शुरुआत अपने गृह जिला वैशाली से कर रहा हूँ। दिल्ली को दही की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, बहुजन समाज को अपना रिप्रेजेंटेशन खुद करना पड़ेगा। शुक्रिया आप सब लोगों का, इतनी संख्या में आप लोग आए। बस एक जानकारी देना चाहता हूँ, आप सब मुझसे अवगत भी हैं, जानते भी हैं, नेशनल दस्तक से मेरी पहचान है, और मैं अब बिहार के वैशाली ज़िले से लोकसभा चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ। कल मैं पिछले लगभग एक महीने से लोगों की राय ले रहा था और वहाँ लोग मुझे बता रहे थे, वहाँ पिछले 75 सालों से किसी भी दलित बैकवर्ड या किसान समाज से, किसी दलित पिछड़े या अल्पसंख्यक समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, प्रतिनिधि नहीं मिला है। और मैं उसी, मेरा गृह जिला है वो, और जिस तरह से अभी जो आरजेडी के जो संभावित उम्मीदवार हैं, मुझे नहीं पता वो उम्मीदवार हैं कि नहीं, जैसा उन्होंने कहा है, जो संभावित उम्मीदवार हैं उनका जिस तरह से जाति सूचक शब्द आया, और सोचिए लोजपा में वहाँ जिनको टिकट दिया गया, जिन्होंने रामविलास पासवान जी की पार्टी को तोड़ा, उन्होंने बगावत की वो बीजेपी में, तो सोचिए किस तरह से प्राचीन गणतंत्र की लिच्छ भी है वैशाली। आज सब जगह हल्ला है, हंगामा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छ भी वैशाली। वहाँ मैंने हज़ारों लोगों से बात की, कल से दर्द हज़ारों लोगों का कॉल आया, सब कह रहे हैं कि यहाँ बैकवर्ड दलित जो पिछड़े हैं, जो 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 वहाँ के शेड्यूल कास्ट हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको टिकट ही नहीं मिलता है। आज तक एक परसेप्शन बना हुआ है। तो मुझे लगा कि अगर मैंने 10 साल में विपक्ष के तौर पे जिस तरह से हम लोगों ने सरकार से सवाल पूछे हैं, तो अगर लगता है कि पब्लिक भी चाहेगी, तो मुझे वहाँ के लोगों ने कहा है कि आप आइए चुनाव लड़िए, और मेरा गृह जिला भी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा अधिकार भी बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जाति जनगणना कराई, जाति जनगणना के आंकड़े आए, 90% लोग वहाँ गैर सवर्ण। उसमें लालू यादव जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, उन्होंने कहा था कि सभा में अगर एक तरफ रोटी रहे तो जल जाता है। अब पता है 75 साल से वहाँ किसी बैकवर्ड को टिकट ही नहीं मिलता है। वहाँ मतलब धन बल और बाहुबल का वर्चस्व है। जो कैंडिडेट लोग हैं उनका देखिए बैकग्राउंड, तो मुझे लगता है कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और लोगों ने कहा भी कि आप दुनिया भर देश भर में बातें करते हैं, आपके गृह जिला की हालत है, तो मैं वहाँ से उम्मीदवार बनने जा रहा हूँ। लोकतंत्र में चुनाव का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, और क्योंकि पूरे भारत में संविधान की बात हो रही है, संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और मेरी कोशिश होगी कि इसके साथ प्राचीन गणतंत्र की लिखी वैशाली का एक अपना ऐतिहासिक इतिहास भी है, भगवान बुद्ध हों, सम्राट अशोक हों, प्राचीन गणतंत्र की लिखी भी है, डेमोक्रेसी की जननी है, लोकतंत्र वहीं से शुरू हुआ है, सम्राट अशोक हो, मौर्य वंश हो, या पाटलिपुत्रा की पूरी इतिहास जुड़ा हुआ है वैशाली से। इस जानकारी देने के लिए मैंने आप लोगों को शेयर किया है, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग, लगता है कि मैंने एक पत्रकार के तौर पे अच्छा काम किया है पिछले 10 साल में, जब से सोशल मीडिया पर हूँ। पहले मैं टेलीविज़न में था, 2014 के बाद सबको पता है किस तरह के हालात हुए टेलीविज़न में, 2015 में मैंने नौकरी छोड़ी, और उसके बाद से मैं सोशल मीडिया पर हूँ। अगर मेरे निष्ठा, मेरे काम, मेरी ऑनेस्टी, जो भी तकलीफें आप सब जानते हैं सोशल मीडिया पर काम करने वाले, सरकार से खासकर जो सवाल लोग पूछ रहे हैं, जिस तरह से अखबार ने सरेंडर कर दिया है सरकार के सामने, लोगों की महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की समस्याएं, यहाँ तक
कि सेना की समस्याएं नहीं दिखाई जा रही। हम लोग टेलीविजन में थे तो एक जवान की शहादत पर पूरा देश उबल पड़ता था, पूरा टेलीविजन चैनल चलाता था। एक पैसे, दो पैसे, पांच पैसे की पेट्रोल की बढ़ोतरी होती थी दाम की तो टेलीविजन हाय तौबा मचा देता था, पब्लिक ओपिनियन होता था, खबरें चलती थी। भ्रष्टाचार, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला का खबरें चलाई गई, कोर्ट ने उसको नहीं माना, उसमें भी दलित बैकवर्ड जेल गए, कनी मोड़ी तो खड़ी सरकार नुकसान, कांग्रेस को उठाना पड़ा, सत्ता से बाहर हो गई। अब जो सरकार है, देखिए मीडिया जिस दिन चुप हो जाता है उस दिन उस देश की जनता का नुकसान होता है, सरकार का फायदा होता है, लेकिन जनता, सरकार को पता कैसे चलेगा कि बेरोजगारी है, महंगाई है, सरकार को पता कैसे चलेगा जनता क्या चाह रही है। तो मीडिया जिस देश की चापलूस हो जाए उसमें डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाता है। तो 10 साल से जब से ये सरकार आई है तब से मैं फॉर्म पे काम कर रहा हूँ, मेरा काम पब्लिक डोमेन में है, किसी से छुपा नहीं है। अब मैं राजनीति में, मुझे लगता है कि राजनीति एक बड़ा, भारत में डेमोक्रेसी और खासकर मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, इस देश के 90% लोगों की जो कम्युनिटी है, जो आबादी है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान हैं, वो फिलहाल मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, सिनेमा में नहीं है। राजनीति में बाबा साहब ने SC ST को रिजर्वेशन दिया है तो उनका प्रावधान है, उसके बाद OBC के लोग अब आने लगे, लेकिन आज भी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको आप देखेंगे तो वहाँ 50% रिप्रेजेंटेशन आज भी जनरल कैटेगरी के लोगों का है और 50% में SC ST OBC है, जिसकी आबादी बिहार को ही अगर मैप माने, पैरामीटर्स माने तो 90% है। तो मुझे लगता है उनका कम से कम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो सुनिश्चित होना चाहिए और इसीलिए मैं उस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई शुरुआत 45 से होगी। पूरे देश में मैसेज जाएगा, तमाम, मैं आपको एक हिसाब बताऊं वैशाली का, तो वहाँ लगभग 90% आबादी अति पिछड़ी, पिछड़ी अल्पसंख्यक समाज और OBC और किसान जाति के और दलित समाज के, लेकिन 75 साल से वहाँ इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वही कोशिश है, ये भी एक लड़ाई है, भागीदारी की लड़ाई है, रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। और मैं चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया जिस पर, जैसे हमने सोशल मीडिया को जिस तरह से मैंने आज इतना डाइवर्स बनाया है, सोचिए IPL ना होता तो आपको रिंकू सिंह न मिलता, 156 किलोमीटर की रफ्तार से मयंक यादव न मिलता, आपको सूर्य कुमार यादव नहीं मिलता। तो डाइवर्सिटी जो है ना वो चीज़ों को बेहतर बनाता है। आज गांव-गांव में लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो लोग कहते थे कि 11 प्लेयर का चुनाव होता है, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, मतलब बड़े शहरों का, अर्बन मेट्रोपॉलिटन। लेकिन आज IPL ने गांव-गांव में प्लेयर को मौका दिया है। तो राजनीति में भी भागीदारी आनी चाहिए और हमें लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अगर जनता को मेरा काम तो पत्रकार के तौर पर पसंद आया होगा तो मुझे भरोसा है वो हमें मौका देंगे ताकि हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर भी काम कर सकें। पूरे देश को जहाँ जहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है वहाँ वहाँ कीजिए, क्योंकि ये 90% समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वंचित है, हाशिए पर है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में हाशिए पर है। और सोचिए नारा गढ़ा गया इस देश में कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ, ऐसा नहीं है, राजनीति का पैसाकरण हुआ है। आज पैसे के लिए गरीब घर के बच्चे, शोषित वंचित समाज के बच्चे, बैकवर्ड समाज के बच्चे, ये सबको राजनीति में अपनी भागीदारी तय करनी पड़ेगी और समाज में तय करना पड़ेगा कि आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सुरक्षित है या नहीं है। और इसलिए मैं वहाँ दावेदारी करने जा रहा हूँ और मैं इस देश के तमाम शोषित वंचित बहुजन समाज में अपील करता हूँ कि आप भारत की राजनीति को ट्रांसपेरेंट कीजिए, धनबल और बाहुबल से राजनीति को बाहर निकालिए और उन लोगों को आप राजनीति में मौका दीजिए, इंटरेस्टेड लोग, नाम जिनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, उम्मीद है कि वो आगे भी अच्छा करें। पार्टी का नाम नहीं बताया, किस पार्टी, मामूली आदमी है। तो पार्टी, अगर आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों का समर्थन मिला, सोशल मीडिया में अगर इस नंबर को चलाया संपर्क करेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन मुझे जनता का समर्थन प्राप्त है, जनता ने मुझे बुलाया। लेकिन अब आप पत्रकार के तौर पर राजनीति में जाने के बाद आपका पत्रकारिता कोई स्पेशल राइट से क्या, ये तो राइट टू स्पीच देश के संविधान में सबको देता है, यही तो सोशल मीडिया ने किया। पत्रकार का मतलब क्या होता है, आम का पेड़ से पत्ता गिरा और वहाँ का आदमी बैठ के कहे कि देखो ये पत्ता गिरा, तो सोशल मीडिया के कारण आदमी क्या स्पेशल राइट पत्रकारिता में जारी रहोगे या फिर जो भी आदमी
देखता है, लिखता है, पढ़ता है, वो कम्युनिकेटर है। मैं एक कम्युनिकेटर रूप से क्या होता है, मैं फिलहाल चुनाव है, चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन मैं अब वहाँ पूरी तरह से वहाँ की जनता के साथ जो मैं पूरे पिछले 10 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, जब से मैंने टेलीविजन की नौकरी छोड़ी है। नेतागिरी क्या है, गाड़ी की बात करना, गरीबों की बात करना, शोषित वंचित की बात करना, पीड़ित की बात करना, पत्रकारिता क्या है, राजनीति क्या है, इससे अलग है क्या? नहीं, सवाल ये है नेशनल दस्तक का प्लेटफॉर्म आप दोबारा बने रहेंगे या फिर थोड़ा पीछे हम? ठीक है, नेशनल दस्तक का ये तो मैनेजमेंट फैसला करेगा कि वो मुझे बनाए रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। अच्छा, देखा बोली थोड़ा, लेकिन कुछ पत्रकार हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ पत्रकार हैं कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर कैंडिडेट खड़े होंगे, तो उनमें अंतर क्या रह जाएगा? आप बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? आप देखिए, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो मुझे नहीं पसंद है, आरएसएस की जो विचारधारा है वो मुझे नहीं पसंद है, कांग्रेस की विचारधारा मैंने उसके बारे में बहुत अध्ययन नहीं किया है। मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी मैं राजनीति विचारधारा की करूंगा, मैं वो पूरा जो भी आरएसएस तो नहीं देता हुआ दिख रहा है, मुझसे आप लिखवा लीजिए। आरएसएस के प्रमुख आज तक गैर सवर्ण नहीं बना, लेकिन बिहार में दुख इस बात का है, वैशाली में खासकर अगर वैशाली की बात करूं तो वहां जो बहुजन दल है वो भी रिप्रेजेंटेशन देने के मामले में जो 90% आबादी को विचार करना चाहिए। और मेरी गुजारिश है कि अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 50% का कैप हटाएंगे, लालू जी ने वहाँ तेजस्वी यादव और नीतीश जी की सरकार ने जाति जनगणना कराया है, 65% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया है, तो टिकट में भी तो आप दीजिए 65%। आप आज के डेट में देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों, मैंने अध्ययन किया है, 50% टिकट दे रहे हैं जनरल कैटेगरी को, जबकि उनकी आबादी 10% से ज़्यादा नहीं है। तो 90% लोगों को 50% वहाँ भी क्यों रोक रहे हैं जब वो आदमी मीडिया में नहीं है? आपको पता है मीडिया में क्या स्थिति है, बिजनेस में नहीं है, नौकरियों में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, सिनेमा में नहीं, जो पावर सेंटर्स है जहाँ से पैसे और नाम और शोहरत है, तो वोट हमारा राज तुम्हारा ये नहीं चले। लेकिन बिहार को तो जनरल राज बताते हैं, जब ओबीसी की एससी की सरकार आती है तो वहाँ तो बदनाम किए जाते हैं। तो मीडिया में कौन लोग बैठे हुए हैं? जो मीडिया में बैठे हुए हैं वो कल मुझे भी बदनाम करेंगे, लेकिन सवाल है कि बहुजन समाज को सोचना है कि क्या वो अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अब जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो तय करें, अगर उनको मेरी आप लोग के माध्यम से पहुंचेंगी तो हो सकता है कि वो तय करें और फैसला करें कि वहां से किसी पार्टी से मुझे आप लिए सही लग रही फिलहाल। देखिए, पार्टी मैं किस पार्टी को सही लगूंगा ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी को आप अच्छे लगते हैं? नहीं, मैं आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं। नहीं नहीं, मैंने आपको पहले उससे पहले भी कहा था कि आरएसएस की विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस सर, आप पहले भी जा चुके हैं, आगे भी जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। मैं अगर मैं वैशाली से रिप्रेजेंट करूँगा तो मेरी कोशिश होगी कि वहाँ हर ब्लॉक में अस्पताल, हर ब्लॉक में स्पोर्ट्स ग्राउंड, हर ब्लॉक और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ लड़ाई और सबको बराबर का मौका मिले, सरकारी अस्पताल बने। से 75 साल से जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है वहाँ डाइवर्सिटी आए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। 75 साल से वहाँ वैशाली की बात करें तो वहाँ दलित पिछड़े आदिवासी पिछड़े और आदिवासी दलित चुने ही नहीं गए हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग चुने ही नहीं गए हैं। तो पहली लड़ाई तो वो है, वो आप लड़ाई पिछले पत्रकारिता के द्वारा लड़ रहे हैं सर, और वो काम आप करवा भी रहते हैं, तो फिर आप संसद जाने की मनाही है? संसद से ही कानून बनता है, संसद ही देश की सर्वोच्च संस्था है, संसद ही डेमोक्रेसी की नींव है, संसद में आपको भी जाना चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए। क्या मनीष कश्यप के रास्ते तैयारी कर रहे हैं? किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, कौन क्या करेंगे, लेकिन मनीष आपके लिए समाज सेवा का, समाज सेवा का स्कोप किस काम में नहीं है? जो जहां रह के भी समाज सेवा कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने 10 साल जो काम किया है, अगर वो जनता को पसंद आएगा, पब्लिक को पसंद आएगा, बहुजन समाज को लगेगा कि इस आदमी ने ईमानदारी से, जब ऐसे वक्त में जब सारे टीवी अखबार चुप, जब सारी संस्थाएं चुप, जब सब जगह डर का साया है, उसके बाद भी हमने बेधड़क अपनी बात रखी है, समाज की बात रखी है, गरीब मजदूर लाचार बेबस लोगों की बात रखी है,
और उसका खामियाजा मैं क्या भुगत रहा हूँ वो मैं सब समय आने पर बताऊंगा। सब नेता यही कहते हैं राजनीति मान से पहले कि हम विकास करेंगे, भलाई का काम करेंगे, लेकिन सब बदल जाते हैं, सब जो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आपको इस देश में दलित पिछड़े आदिवासी, मुझे और तो नहीं पता, लेकिन दलित पिछड़े आदिवासी समाज का विकास बाबा साहब जब संसद में आए, कानून मंत्री बने, इसी वजह से हुआ। सीबीआई से डर गए क्या? नहीं नहीं, रुकिए, तो इनका सवाल पूरा कर दूं। बाबा साहब संविधान सभा में आए, संसद में आए, तभी बहुजनों का विकास हुआ। कर्पूरी ठाकुर आए, मुख्यमंत्री बने, तभी बहुजनों का विकास हुआ। जगदेव बाबू ने संघर्ष किया, पत्रकार थे, नेता बने, तभी विकास हुआ। यहाँ तक कि लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सब गरीब परिवार से थे, इन लोगों ने राजनीति की और विकास किया। मेरा सवाल इतना है, आप समझ नहीं रहे, आप पूरे देश का सवाल। राजनीति गुरु कौन है आपके? इस देश की आवाम है, फुले पेरियार, अम्बेडकर, बता तो रहा हूँ, तथागत बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास महाराज हो, फुले पेरियार, अम्बेडकर, जगदेव बाबू हो, पेरियार हो, आपको बता दें कर्पूरी ठाकुर हो, जननायक, आपको बता दें कि माननीय कांसीराम साहब हों, मायावती जी हैं, लालू यादव हैं, रामविलास, माननीय रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान हैं, तमाम वो बहुजन समाज के नेता जिन्होंने इस देश को बनाने में ताकत लगाई है, जीवन दिया है, वो सब मेरे याद है। मुन्ना शुक्ला कह रहे हैं कि मैं कोई चमार नहीं हूँ, मैं भूमिहार हूँ। वहाँ तो बहुत जातिवाद की राजनीति होती है, तो बिहार में। उसी के खिलाफ मैं जा रहा हूँ। बिहार में जातिवाद के खिलाफ राजनीति नहीं है सर, आपको भरमाया जा रहा है। बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। बिहार यूपी में दलित पिछड़े सीएम बने हैं, इसलिए वहाँ डाइवर्सिटी की बात हो रही है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। और कहाँ से आएगा चुनाव लड़ने के लिए आपके पास? इतना महंगा चुनाव हो गया है इतना आजकल। देखिए, पैसा तो टीवी अखबार चलाने में भी करोड़ों रुपए लगते थे, लेकिन सोशल मीडिया हमने चलाया और बहुजन समाज ने हमें योगदान दिया, और आज सोशल मीडिया पर 25 करोड़ दर्शक हैं नेशनल दस्तक के, किसी टेलीविज़न से ज़्यादा व्यूअरशिप है। तो पैसा, ये बहुजन समाज बहुत बड़ा समाज है, एक एक रुपया भी चंदा देगा ना बहुजन समाज, तो इस देश के हर लोकसभा सीट पर वो अपना ईमानदार नेता चुनाव लड़ा सकता है। एक एक रुपया भी बहुजन समाज देगा। इनकी तो पहले से पार्टी है बहुजन समाज की, तो बसपा है, सपा है, हाँ, और राजद वगैरह ये सब। बसपा है, सपा है, आरजेडी है, हाँ, है। तमाम पार्टियां हैं, हाँ। लेकिन उनको कैंडिडेट, अब क्या हुआ विधानसभा में, जब एक उसी वैशाली जिला में के जो जिनके फादर को सजा माफ कर दी गई, उनके बेटा ने आरजेडी को दगा दे दिया। सवाल वैशाली जिला का है सर, आप मुझे वैशाली जिला से, वैशाली जिला में 75, आप बताइए वैशाली जिला में 75 साल से किसी बहुजन को मौका ही नहीं मिला है, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। वैशाली जिला में आप मुझसे पूरा 543 लोकसभा की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं वैशाली की बात करने आया हूँ आज। लोग मुझे कह रहे हैं कि पहले अपने घर को तो आज़ाद कराओ, अपने गृह जिला को तो आज़ाद कराओ। शंभू जी एक सवाल ले लीजिए, हाँ, बीएसपी 40 सीटों पर लड़ रही चुनाव बिहार में, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है लड़ने का, बीएसपी की तरफ से मौका मिले तो क्या आप कबूल करेंगे सर? मैं तो कह रहा हूँ मुझे किसी पार्टी से कोई शिकायत ही नहीं है, सिर्फ आरएसएस के अलावा, मैं आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। सहमत हैं आप? किसी भी पार्टी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, बस। अगर पत्रकारिता में चरम पर पहुंच गया क्या आप? कर ली पूरी पत्रकारिता, लगता है समाज को कुछ फायदा मिला? सर मैं एक अदना सा आदमी हूं सर, ये तो समाज तय करेगा कि मेरे मौका नहीं मिला पत्रकारिता में, जो आप राजनीति में जा रहे हैं। आपको आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर है, कल आपको न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन, बीबीसी मौका देगा तो आप जाएंगे कि नहीं? आप तो कहते थे कि बहुजन आओ, मीडिया में आओ, चैनल बनाइए, तो आए, आए कि नहीं? मौके नहीं मिले, आप भी राजनीति में जा रहे हैं, तो राजनीति में जाने से शिकायत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? 133 दलित सांसद पहले से ही वे क्या कर पाए समाज के लिए जो आप जा रहे हैं वहाँ पर? आप आज बोल रहे हैं सर, तो उन्हीं लोग, अगर हमारा लोकतंत्र न होता, डेमोक्रेसी न होती, तो हमारी यही स्थिति ना होती। आज जो भी मिला है हमें लोकतंत्र की वजह से मिला है, संविधान की वजह से मिला है। छोड़ देंगे बात? अरे सर, पत्रकारिता किसने रोक रखा है किसी को करने से? इस देश का हर नागरिक सदन में जाएंगे या फील्ड में जाएंगे? अब पूरा जवाब नहीं होने दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस देश में हर नागरिक को राइट टू स्पीच है, संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19A के हिसाब से सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। यही पत्रकार, मैं चाह रहा हूँ बहुजन समाज सड़क पर भी बोले, संसद में भी बोले और सोशल मीडिया पर भी बोले, ये भी एक पत्रकारिता ही है, आप समझिए। इस देश के आडवाणी क्या थे बाई प्रोफेशन, वाजपेयी क्या थे बाई प्रोफेशन, आप अपने लोगों को इस तरह से टांग मत खींचिए, अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, यही बहुजन समाज का, बहुजन पिछड़े समाज का स्वभाव है। पत्रकारिता, वकील, ये सब सेंसिटिव कम्युनिटी होता है, प्रोफेशन होता है, इससे लोग राजनीति में आते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा आकलन मेरे काम पर कीजिए, अगर 10 साल मैंने ईमानदारी से पत्रकारिता की है, डंके की चोट पर की है,
तो आगे भी मैं अच्छा काम करूंगा। और मेरी प्राथमिकता यह है कि 75 साल से वहाँ दलित पिछड़े को मौका नहीं मिला है, वहाँ बाहुबल और धनबल का कब्जा है, मैं उसके खिलाफ जा रहा हूँ। ये भी एक पत्रकारिता है। रमेश कुमार है, पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी है, अभिषार शर्मा है, वो तो पत्रकारिता है। आइए सवाल उनसे पूछे, मैं उनका पीए थोड़ी हूँ, वो क्या करेंगे वो तो उनका सवाल है, मैं तो अपनी बात बताऊंगा ना। सीबीआई से कहीं डर तो नहीं है, इसलिए राजनीति में आने का इरादा कर लिया। आजकल तो पत्रकार भारत में कौन सा टेलीविजन और अखबार का पत्रकार गिरफ्तार हुआ है बताइए? सबसे ज्यादा ईडी और सीबीआई तो नेताओं के पीछे पड़ी है। सुधीर चौधरी तो हुए। सुधीर चौधरी किस केस में गिरफ्तारी हुए? आप अपना थोड़ा होमवर्क कीजिए सर। सुधीर चौधरी के समय किस किस सरकार थी, अब किस आरोप में गिरफ्तार हुए हैं? थोड़ा होमवर्क करो यार, ऐसे मत। मैनेज तो हुआ है ना मीडिया। हाँ, मीडिया मैनेज तो हुआ है, पत्रकार मैनेज तो हुआ है। तो तभी तो मैंने पत्रकारिता की नौकरी मैंने कब छोड़ी, 2015 में कौन सी सरकार आई थी? बीजेपी। सोशल मीडिया मैंने शुरू किया, आज सोशल मीडिया पर कौन लोग दबाव बना रहे हैं सर? मैंने 10 साल पत्रकारिता की है, सोशल मीडिया पर आप जैसे तमाम लोग अब आ गए हैं, बहुजन समाज के हज़ारों आज सोशल मीडिया पर पत्रकार आ गए हैं, और ये फील्ड अब सुरक्षित है। मुझे अपने गृह जिला का भी कर्ज उतारना है, जहां मैं पैदा हुआ हूं, जो मेरा गृह जिला है, वहां 75 साल से किसी दलित पिछड़े आदिवासी को जैसे मीडिया में मौका नहीं मिल रहा था। हमने दर्जनों हज़ारों, मैं तो कहूँगा हज़ारों लोग हैं जिनको मैंने बाकायदा, हम लोग साथ मिल के काम किए, और वो लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। अब मुझे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर काम करना है कि दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक गरीब घर के बच्चे बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़े और राजनीति में भी आएं, जिनके पांव सड़कों पर जले हों, जिनके पांव सड़कों पर, जो नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, मान्यवर साहब, कांसीराम साहब, मायावती जी, ये सब किस बैकग्राउंड से थी? सब गरीब परिवार से थी और इन्होंने समाज के लिए बेहतर किया है। तो नए जनरेशन को भी आना पड़ेगा राजनीति में, और मैं इसकी शुरुआत अपने गृह जिला वैशाली से कर रहा हूँ। सर, राष्ट्रीय पार्टियाँ जो है सर इतने दमखम से चुनाव लड़ रही हैं, वैसे में आपसे वहाँ कैसे मुकाबला करेंगे? ये आपका परसेप्शन है ना सर, मैं भविष्यवक्ता थोड़ी हूँ। इस देश में एक से एक निर्दलीय लोगों ने चुनाव जीता है, इस देश में एक से एक बड़े बड़े सत्ताधीश सत्ता से बाहर। लालू जी जब चुनाव लड़े थे तो 500 करोड़ कंपनी चलाते थे क्या? रामविलास जी जब चुनाव लड़े थे तो 10,000 करोड़ की कंपनी थी क्या? और अगर सुन तो लीजिए भाई, जवाब सुन, अगर पैसा से चुनाव होता तो अंबानी अडानी प्रधानमंत्री होते। चुनाव होता है जनता आपको प्यार करती है कि नहीं, बहुजन समाज के लोग, इस देश की जनता, 25 करोड़ जनता पूरे देश का मुझे प्यार करती है। और हमने भी कुछ आंकड़ा जुटाया है, सर्वे किया है, और आज के समय में और समाज जागरूक हुआ है। शरद यादव, कर्पूरी ठाकुर, पता कर लीजिए, जगदेव बाबू, बहुजन समाज के जो भी नेता राजनीति में आए हैं, उन्होंने गरीबी से शुरुआत की, उनके पास कुछ भी नहीं था, और हम उन लोगों को आदर्श मानते हैं, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब हो, मायावती जी हो। हमारी लड़ाई वैशाली जिला में रिप्रेजेंटेशन की है, 75 साल से किसी गैर सवर्ण को टिकट ही नहीं मिला, चुनाव ही नहीं जीत पाया है, तो हम वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अगर किसी गैर सवर्ण को मिल जाता है तो आप छोड़ देंगे राजनीति? देखते हैं, अब तक तो ऐसी संभावना नहीं है। देखिए, राजनीति क्यों छोड़ेंगे, सवाल है कि ये डिस्कोर्स नहीं, सवाल है कि ये पहले क्यों नहीं किया गया। सवाल है कि मुन्ना शुक्ला जो आज आरजेडी के संभावित उम्मीदवार कहे जा रहे हैं, उनका जाति सब सूचक सब सुना है आपने? मैं एक बात कह रहा हूँ, बिल्ली को दही की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, बहुजन समाज को अपना रिप्रेजेंटेशन खुद करना पड़ेगा।